हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स। मैं मेज़बानी आज कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जो है मैंने चिकन कोरमा बनाया है, जिसके मैंने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में ऐड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। और उसके अलावा मैं आप लोगों को जो है बता भी देती हूँ, इसमें चिकन में जो है हमने 1 कप जो है योगर्ट मतलब दही ऐड करना है। उसके बाद जो है इसको हमने ना मतलब मैरिनेट करके रखना है। उससे क्या होता है कि कोरमा बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्टी बनता है, और उसका जो टेस्ट होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद दही के बाद हमने 1 चम्मच जो है इसमें नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जो है हमने गर्म मसाला ऐड करना है। उसके अलावा जो है हमने चिली फ्लेक्स ऐड करनी है, और शान का कोरमा मसाला ऐड करना है। शान के कोरमा मसाले के ना 2 टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिएगा, या फिर आप जैसे अगर तेज़ मिर्ची वगैरह खाते हैं तो फिर आप लोग ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है तेज़ मिर्ची नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैंने जो है थोड़ा आज जो है स्पाइसी बनाया है कोरमा, और ना इसको फिर अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे। और मतलब मिक्स करने के बाद ना फिर मैंने फूड कलर इसमें ऐड किया। पहले मैंने जो है ना 1 पिंच ऐड किया था, पर उसका कलर ही नहीं आया था, तो फिर मैंने जो है 1 टेबल स्पून इसमें फूड कलर ऐड किया। आप रेड भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास जो है ना ऑरेंज था तो मैंने वही ऐड कर दिया था, ऑरेंज रेड टाइप का था तो मैंने वो ऐड कर दिया था। उसको ऐड करने के बाद इसको आपने आधे घंटे के लिए जो है ना मतलब मैरिनेट करके रख देना है। उसको आप फ्रिज में रख दें, और जब तक जो है आप अपना और मसाला तैयार कर लें। मसाला तैयार करने के लिए जो है मैंने अनियन लिए थे 4, उनको जो है ना मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने उनको निकाल लेना, निकालने के बाद टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, और उसके अलावा जो मैंने गोल्डन ब्राउन किए हुए अनियन होंगे, जो प्याज होगा उसको आपने जो है ना ग्राइंड कर लेना है। उसको ग्राइंड करेंगे तो एक ना अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। उस मिक्सचर से ना आपका जो कोरमा होगा ना वो दानेदार बनेगा, और आपके मतलब टेस्ट भी इन्हेंस होगा जब आप कोरिएंडर लीव्स उसमें ऐड करेंगे। तो उसके बाद जो है ना उस मिक्सचर को तैयार करके फिर आपने जिस ऑयल के अंदर प्याज जो है ब्राउन किया था उसी में आपने ये जो मैरिनेट हुई हुई चिकन होगी इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ना, इसको आपने 10 मिनट से 15 मिनट अच्छे से जो है ना इसको फ्राई कर लेना है, ताकि मसाला जो है इसके अंदर और कच्चापन की ना स्मेल ना आए। अच्छे तरीके से जो है ना इसको आपने फ्राई करने के बाद इसमें जो आपने अपना पेस्ट बनाया हुआ होगा वो ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद आपने फिर क्या करना है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी ना मतलब जो जैसे कि बाउल में लगा हुआ होता है तो उसको ज़ाया नहीं करना, आपने उसको जो है उसमें वाटर ऐड करके और उसको भी ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। और फिर जो है मैंने नमक मिर्ची वगैरह दोबारा से कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में ही हर चीज़ पूरी डाल दी थी। सिर्फ जो है मैंने थोड़ा सा 1 पिंच या 1/2 टेबल स्पून जो है मैंने कोरमा मसाला ऐड किया था, और उसके बाद सॉरी बैकग्राउंड की वॉइस को जो है इग्नोर करें। उसके बाद जो है आप जो है उसको अच्छे तरीके से भून लें। भूनने के बाद ना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, जो कि कच्चापन हो वो दूर हो जाए। 10 मिनट्स के आप 5 मिनट के अंदर देखेंगे कि आपका जो है ना पानी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। जब ऑयल ऊपर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका खाना जो है, आपका कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। और फिर जो है यहाँ मैंने उसको जो है अच्छे तरीके से भूनने के बाद उसको जो है सर्व किया, और यकीन करो इतने मज़े का कोरमा बना हुआ था ना, बहुत मज़े का कोरमा था, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े का था। ये जो है ना मेरी छोटी सी पाली सी बेटी, ये जो है मेरे को वॉइस नहीं करने दे रही है, मुझे छेड़ रही है, मुझे तंग कर रही है ताकि मैं काम ना कर सकूं। ये मेरा प्यारा बेटा जो है ना मुझे देख के हंस भी रही है और आवाज़ें निकाल रही है, तो आप इसकी वॉइस को इग्नोर करें। ये मेरी बहुत क्यूट सी बेटी है, मैं इसको फेंक तो नहीं सकती ना आप, ये हमारा प्यारा सा बेटा है, हम इसको नहीं फेंक सकते, सही है। तो आपको मेरी बेटी की वॉइस को झेलना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है सारे बोलेंगे यूट्यूबर के यार बाजी तू तो चिकन खांदी बड़ा है, यार मेरे को चिकन ज़्यादा पसंद है, मैं क्या करूँ, मुझे चिकन पसंद है, मुझे ना मतलब बीफ इतना ख़ास नहीं पसंद, बीफ मुझे पसंद है बस ईद की जो कुर्बानी का गोश्त होता है मैं वो बहुत शौक से खाती हूँ, उसके अलावा ना नॉर्मली बस खा लेती हूँ, लेकिन कोई शदाई नहीं हूँ मैं गोश्त की। या तो फिर भुना हुआ हो, भुना हुआ जैसे पकता है ना वो हो तो फिर खा लेती हूँ, अदरवाइज़ ये आलू शोरवे वाले वोरवे वाले मेरे को नहीं अच्छे लगते, बस एक घर में बन जाए तो खा लेती हूँ, पर ऐसे ख़ास कोई डिमांड करके नहीं मंगवाती गोश्त। मुर्गी तो मुझे जितनी खिलानी है आपने खिला दें मैं खा लूँगी।
क्योंकि मुझे चिकन पसंद ही बहुत ज़्यादा है, और वो इस वजह से भी ज़्यादा पसंद है कि मामू जो थे ना, मामू का अपना होटल था, मेरे मामू का अपना होटल था, और फिर जो थे वो चिकन शॉप पे कैशियर भी थे, तो वो मैनेजर थे ना, तो वो जो है ना रोज़ मतलब चिकन हमारे घर में बहुत पकता था, यकीन करें। वो कहते हैं कि किलो तो कोई चीज़ ही नहीं थी ना हम लोगों के घर में, खुला जो मुर्गी आती थी, तो बस इतना पसंद है चिकन के आगे तो मेरे को कुछ नहीं दिखता, वो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि इसमें कहते हैं कि बहुत बीमारियां नहीं खानी चाहिए, बट यार मुझे बहुत पसंद है, मैं क्या करूं, मैं चिकन की शहदाई हूं। कहीं भी चली जाऊं, इलियास आते हैं, कहीं भी चिकन की शॉप देख लूँगी ना बिरयानी, यार मुझे चिकन बिरयानी खानी है। और वो इतना हंसते हैं कभी कभार, तो वो देखते हैं ना दूर से चिकन बिरयानी की शॉप आ रही है, वो तेज़ बाइक लेके निकलते हैं, कहते हैं तूने मुझे जलील कर दिया, पीछे से खा के आती है, आगे फिर कहती है यहाँ से भी टेस्ट करते हैं कैसी होगी। खैर ये है मेरे कोरमे की फाइनल लुक, जो कि यकीन करें बहुत मज़े का बना था। अगर मैं आप लोगों को चखा सकती ना तो आप लोग उंगलियाँ चाटते रह जाते, इतने मज़े का बना था। खैर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मेरी बेटी तंग हो रही है, अब मैं जा रही हूँ उससे बातें करने, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।